आपका फूडी खुराना है। आज हम बनाने जा रहे हैं एगलेस चॉकलेट कुकी। जी हाँ, बिना अंडे के चॉकलेट कुकी। और इस चॉकलेट कुकी के बहुत फायदे। पहला फायदा ये है, जो छोटे बच्चे होते हैं जब दूध नहीं पीते, मम्मी भागती है दूध का ग्लास लेके, बेटा दूध पी लो, तो उस टाइम अगर आप उनके साथ एक दूध के ग्लास के साथ एक चॉकलेट कुकी रख दो तो बच्चा दूध फटाफट पी जाएगा। अरे बच्चों को छोड़ो, आप बड़ों की सोचिए, अगर आपका दोस्त नाराज हुआ है, आपने उसको झटपट मनाना है ना, एक कुकी खिला दीजिए और बोलना ये मैंने स्पेशली अपने हाथों से तेरे लिए बनाई है, वो डेफिनेटली मान जाएगा। हम चॉकलेट कुकी को कैसे यूज करते हैं ना, कभी कभी बहुत बिजी होते हैं काम में तो हमें बस खाने को कुछ नहीं होता, हम या फिर हम कोई रेसिपी वीडियो बना रहे हैं जो लंबी जिसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो हम क्या करते हैं चॉकलेट कुकी बना के रखते हैं, फटाफट एक स्नैक की तरह उसको खा लिया तो थोड़ा सा असर हो जाता है। चलो बातें बहुत हो गई हैं और अब हम अपनी रेसिपी वीडियो शुरू करते हैं। तो चॉकलेट कुकीज बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है चॉकलेट। हम यहाँ पे कोई चॉकलेट चिप्स का यूज़ नहीं करेंगे, हमने रेगुलर अपनी चॉकलेट ली है, इसी को हम चाकू से काट लेंगे और इसका ही यूज़ करेंगे आगे कुकीज़ में। हमने इसमें मेरी फेवरेट चॉकलेट ली है, आप चाहो इसके अंदर डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आप कुकी की रेसिपी। तो सबसे पहले हमने लिया है 1/4 कप बटर। तो बटर हमने लिया है रूम टेम्परेचर पर, ये रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए, फ्रिज वाला नहीं होना चाहिए। बटर के बाद हम इसमें डाल रहे हैं शुगर, ये वाइट शुगर लिया है पाउडर्ड 1/4 कप, और इसके साथ ही जाएगी 1/4 कप पाउडर्ड ब्राउन शुगर। इसके साथ साथ हम डाल रहे हैं 3/4 टीस्पून वनीला शुगर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप 1/2 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट भी यूज़ कर सकते हो। इन सबको अच्छे से मिला देंगे हम। अब हम इसमें डालने लगे हैं मैदा। तो ये हमारा मैदा जो है 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 1/2 कप प्लस लगभग 2 बड़े चम्मच है। डालने के बाद इसको फिर से मिक्स करेंगे अच्छे से। आप चाहो तो इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हो। ये हमने 2 बड़े चम्मच गर्म पानी लिया है, इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और इसको मिक्स कर देंगे। अब इस पानी और बेकिंग सोडा के मिक्सचर को हम डाल रहे हैं आटे में, और इसके साथ साथ हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून नमक। चलिए जी फिर से इसको मिक्स करते हैं। पानी अगर आपको कम लगे तो आप और डाल सकते हो, तो अभी मुझे इसमें पानी थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं 1 चम्मच पानी इसमें और डालूंगी। अब जाने वाला है हमारा मेन इन्ग्रीडियंट यानी कि चॉकलेट। तो चॉकलेट तो भाई आपको जितनी पसंद है उतनी आप डाल सकते हो, हम डाल रहे हैं 1 कप। आपको कम करने कम कर सकते हो, इससे ज़्यादा डालने तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, उसमें कोई रूल नहीं है। लगता है अब इसको हाथ से मिक्स करना पड़ेगा। आते हैं हमारी देसी स्टाइल में। तुम्हारा चॉकलेट वाला डो तो हो गया तैयार, अब लगाते हैं बेकिंग ट्रे, उसी पे फिर हम पेड़े बना देंगे इसके। तो पेड़ा किस साइज़ का हो वो डिपेंड करता है आपको कितनी बड़ी कुकी चाहिए। हम थोड़ी बड़ी कुकी बनाते हैं तो हमने लिया है 1 टेबल स्पून यहाँ पर, तो हम 2 टेबलस्पून आटा भरेंगे और उसका पेड़ा बनाएंगे। आइए देखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी सारी कुकीज हैं वो सेम साइज़ की बने, इसलिए हम एग्जैक्ट मेजरमेंट ले रहे हैं, बाकी कैसे भी चलेगा। तो ये 2 टेबलस्पून हमारा है ये डो, इसका 1 पेड़ा बनेगा। तो नॉर्मल जैसे हम लड्डू बनाते हैं ना, वैसे ही बस हाथ से इसको ऐसे गोल गोल करना है। इसका हमने देसी नाम रखा है और वो है चॉकलेटी लड्डू। पर कुकी बनने के बाद ये फ्लैट हो जाएंगे। तो जितनी हमने क्वांटिटी ली थी उसके हिसाब से 9 कुकीज़ बन रही हैं यहाँ पर। तो एक बात का हमने खास ख्याल रखना है कि जब हम कुकीज़ को लगा रहे हैं बेकिंग ट्रे पे तो इसमें प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। जैसे हमने इसके अंदर, जैसे ये 3 कुकीज़ हैं तो इनके बीच में गैप है, क्योंकि जब कुकी जाएगी ओवन में तब ये फैलेगी, तो इसको स्पेस चाहिए इसके अराउंड। अब बारी है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप की, वो क्या है, हमने जो ये पेड़े बनाए हैं इनको हमने रखना है फ्रिज के अंदर 1 घंटे के लिए। अगर आप जल्दी में तो कम से कम 1/2 घंटे के लिए आप इसको रख दीजिए, इससे कुकीज़ अच्छी बनेंगी। चलिए रखते हैं इसको फ्रिज में, टाइमर ऑन कर लीजिए 1 घंटे का। 1 घंटा हो चुका है, चलिए बाहर निकालते हैं इसको। तो हमने जो ये पेड़े किए थे हमारे वो बहुत हार्ड हो चुके हैं, देखिए अभी जाएंगे ओवन के अंदर। ओवन को हमने प्री हीट कर लिया है 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी कि 170 डिग्री सेल्सियस पे।
तो बस 15 से 20 मिनट लगेंगे हमारी कुकीज़ को बनने में, उसके बाद हमारी कुकीज़ रेडी हैं। तो हमारे ओवन में लगते हैं 15 मिनट, आपके ओवन में हो सकता है 1 से 2 मिनट फालतू लगे, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है क्योंकि ओवन टू ओवन भी थोड़ा सा डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब क्या है कि हम आपको दिखाते हैं हमारी कुकी कैसी बनी है। आप देख सकते हो कि इसका बहुत सुंदर कलर आ गया, बहुत ही अच्छा इसका कलर आ गया। नीचे से भी आप देख सकते हो कैसे चॉकलेट दिख रही है। ये मेरी फेवरेट चॉकलेट से बनी है कुकी। अगर आप चाहो तो इसके अंदर आप अपनी फेवरेट चॉकलेट डाल सकते हो, जैसे कि डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, जो भी आपको पसंद है। आप प्लीज़ दिखा दो इनको कि किस तरीके से हमारी चॉकलेट कुकीज़ दिख रही हैं। सबका साइज़ शेप देख लो कितनी बराबर की बनी है, हमने माप के डाला था सब कुछ। तो चॉकलेट कुकी को आपने खाना है ठंडा करके। आधा घंटा हमने इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया था, अब मैं इसको टेस्ट करके बताऊंगा कि कैसी बनी है। बहुत अच्छा इसका टेस्ट आया और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, बाहर से कुरकुरी है, तो जैसी होनी चाहिए वैसी परफेक्ट है। तो टैग करो उन सारे दोस्तों को जिनसे आपको पार्टी लेनी है, या जिनको चॉकलेट पसंद है, जिनको चॉकलेट कुकी पसंद है, या वैसी कुकी भी पसंद है। चलो मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। बहुत सुंदर कुकी बनी है हमारी, बहुत टेस्टी, यम्मी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।